हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का शॉपिंग खत्म हो गया और इस हफ्ते का सामान का बंदोबस्त भी हो गया। एक्चुअली इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, अभी भी सुपरमार्केट में पूरा स्टॉक है। हाँ, मानता हूँ अंदर जाने के लिए पहले लंबा चौड़ा लाइन है, एक के बाद एक को छोड़ा जा रहा है, पहले हाथ सैनिटाइजर दिया जा रहा है, अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है। I'm really happy with the way they are handling the situation, the way government is handling the situation. Almost 20 दिन होने को आ रहा है और अभी तक बहुत smoothly काम चल रहा है. So I'm really appreciative and thankful to this government and the people. तो वैसे जब आप supermarket जाते हो, जबकि आप ये vermicelli देखते हो, आपको समझ आता है हाँ भाई इसका उपमा बना सकते हैं, इसका खीर बना सकते हैं। जब इंस्टेंट नूडल्स देखते हो आपको मालूम है इसको कैसे पकाना है, करना क्या है। पर हम में से बहुत लोगों को जब ये राइस सेमिया देखते हैं हमें समझ नहीं आता है कि इसको कैसे पकाए, इसका क्या बनाते हैं, तो हमेशा हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आज के वीडियो में हम इसी का डिश कैसे बनाना है सीखेंगे, इसका टेस्टी ब्रेकफास्ट। आज हम जो बनाने जा रहे हैं ये अगेन एक कोस्टल कर्नाटका का डेलिकेसी है, वहां बहुत कॉमनली बनाया जाता है, वहां कोई इस तरह इंस्टेंट सेमिया लेके नहीं आता है, वहां इसको घर में बनाते हैं। जैसे कि घर में, वहां ऑलमोस्ट बहुत लोगों के घर में ऐसा कोई इक्विपमेंट होता है, वहां लोग प्रिफर करते हैं कि फ्रेश घर में बना के खाए। यहाँ उतना आसान नहीं है कि आपको घर में बनाओ और ये सब बनाते हुए बहुत टाइम लगता है, तो हम जो मार्केट में मिलता है इंस्टेंट राइस सेविया बनाएंगे। तो चलिए कैसा बनाते हैं देखते हैं। पहले टैमरिंड को गर्म पानी में भिगो के उसके बाद उसको स्पीस करके उसका पानी को साइड में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, मिक्सी में नारियल, एक तीन ड्राई लाल मिर्ची और हाफ स्पून मस्टर्ड डाल के इसको अच्छा ड्राई ग्राइंड कर लेंगे। कोकोनट को ग्राइंड करने के बाद वो कंप्लीट पेस्ट होना नहीं चाहिए, कुछ इतना कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। अब पहले राइस सेमिया को पका लेंगे। एक बर्तन में पानी लेके उसमें एक स्पून नमक, एक स्पून तेल, इसको अच्छा गर्म होने तक छोड़ देंगे। पानी अच्छा बॉईल होने के बाद इसमें हम इंस्टेंट राइस सेविया डालेंगे। राइस सेविया को 2 मिनट से ज्यादा पकने मत दीजिए। अब गैस ऑफ करके इसको हम ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप, पैन में हम 2 स्पून तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें ग्राउंड नट डाल के थोड़ा फ्राई कर लीजिए। ये ग्राउंड नट थोड़ा लाल होने के बाद इसको हम निकाल के साइड में रख लेंगे।
अब इसी ऑयल में हम थोड़ा चना दाल, थोड़ा उड़द दाल, थोड़ा मस्टर्ड, थोड़ा जीरा, थोड़ा करी लीफ, एक लाल ड्राई मिर्च, इसको थोड़ा फ्राई कर लीजिए। ये थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें हम ऑनियन डालेंगे। ऑनियन थोड़ा लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। ऑनियन अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद हम इसमें कोकोनट का ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालेंगे और एक 30 सेकेंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। एक 30 सेकेंड्स के बाद हम इसको साइड में रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, उसी पैन में ये टैमरिंड का जूस, हाफ स्पून हल्दी, थोड़ा गुड़, स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छा बॉईल होने देंगे। ये टैमरिंड मिक्स अच्छा बॉईल होने के बाद इसको ऑफ कर लीजिए और इसमें राइस सेविया और कोकोनट मिक्स को ऐड कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये तैयार हो गया हमारा गर्मा गर्म मसाला सेमिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए।